हेलो दोस्तों, आज हम असेंबल करने वाले हैं उषा का ये फैन, जो कि मैं इसके स्टेटर को रिवाइंड करते हुए आपको बताया था कि इस स्टेटर को रिवाइंड करने के बाद हम इसका असेंबलिंग भी दिखा देंगे। और अगर इस स्टेटर का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस असेंबलिंग फैन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसके असेंबलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत तब आती है कि हम इसके पुर्जे पुर्जे खोल देते हैं, और यहाँ पे आप ब्लेड दिख रहे हैं, यहाँ पे इसमें एक छड़ है, ये स्प्रिंग है और ये छोटा स्प्रिंग है। ये सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी को आज हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे एक अंदर होल दिख रहा होगा, उस होल में ये जो हमारा छोटा स्प्रिंग है उसको डालना है ऐसे। ये स्प्रिंग नहीं रहेगा तो आपका जो फैन ऊपर नीचे होता है वो नहीं हो पाएगा, हमेशा नीचे की तरफ ही झुका रहेगा। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आगे एक छड़ है, ठीक है, और पीछे इसका बेस, तो ये जो बेस है वो नीचे की तरफ रहेगा। इसको हम ट्वीज़र की मदद से डाल लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, जिससे फैन हमारा रोटेट करता है लेफ्ट राइट। उसमें भी एक ब्लेड लगा होता है इस तरह का, इस ब्लेड को आपको यहाँ पे लगाना है ऐसे। अब ये लग गया, और ये बड़ा वाला स्प्रिंग देख लीजिए, इसको कैसे सेट करना है। इस बड़े वाले स्प्रिंग को कैसे सेट करना है आपको, ऐसे लगा के इसको इस तरफ दबाएंगे, देखिए ये यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके फंस गया है। आप इस नट को इसमें डाल लीजिए, ठीक, तब जाके आपको हमें इस हिस्से को पीछे की तरफ रखना है और इसको आगे की तरफ रखना है, और इसको ऐसे डाल देना है, थोड़ा टाइट होता है, इस होल में ऐसे इसको डालना है, और डाल के इसको थोड़ा सा टाइट होगा, लेकिन इस होल को ऐसे आप मिला के, देखिए ये होल मिल गया है। आपको इस नट को, इस बोल्ट को अंदर डालना है ऐसे, देखिए हमने इसे भी टाइट कर लिया है। अब हमारा एक कनेक्शन वायर होता है, उस कनेक्शन वायर को हम डालेंगे। आपको ये वायर देख लीजिए, ये वायर इस होल से डाल के पीछे की तरफ निकालना है यहाँ पे, और यहाँ से निकाल के, देखिए यहाँ से निकाल के इसमें अंदर डाल के और बाहर की तरफ निकाल लेना है। अभी हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने इसे लगा लिया है। अब इतना काम करने के बाद हम पहले मोटर को असेंबल करेंगे, मोटर का असेंबल करने के बाद इसको टाइट करेंगे, उसके बाद से ऊपर का काम करेंगे। इस मोटर में आपको कनेक्शन ऊपर की तरफ निकालना होता है, तो इसीलिए आप स्टार्टर को ऐसे डालिए और इनके होल में, चारों होल में आप इधर कट दिया होता है, आप इसको ऐसे फंसा लीजिए, ये लग गया है। उसके बाद से पीछे वाले हिस्से में आप ऑयल डाल दीजिए, लुब्रिकेंट्स करना इसको बहुत ज़रूरी है। पहले से ही पंखा बंद था, अभी इसको 6 महीने चलते रहना है, तो ये काम भी आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने थ्रेड्स पर भी ग्रीस लगा लिया है और बाहर भी इन गियर्स पर भी ग्रीस लगा लिया है, ताकि जब ये चले तो फ्री चले। और इसमें डाल के शाफ्ट और इस वायर को हमें आगे से, यहाँ पे देख रहे होंगे, वायर को निकालने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे इसको ला के ऐसे, और देखिए ये आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे होल दिया है चारों तरफ, उन चारों होल में आपको इसे फंसा के ये भी लॉक हो गया। अब इसे टाइट कर लीजिए, टाइट करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम चेक,
इसमें हमारे दो लाल वायर हैं और दो काले वायर, ये काले वायर स्टार्टिंग के लिए है और लाल रनिंग के लिए है। तो आप इसमें से कोई एक वायर काला और एक वायर लाल ले करके आपस में ट्विस्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा और ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के वायर में जाएंगे, कंडेंसर के वायर में। ये 1.2 MFD का कैपेसिटर है जो फैन के साथ ही आया था और इसी में हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। अब आपको इसमें इसमें और इसमें इन दोनों में सप्लाई देकर देखना है कि हमारा फ़ैन सीधा चल रहा है या नहीं। अगर हमारा फ़ैन उल्टा चलेगा तो इस रेड वायर को यहाँ पे लाना है और इसको निकाल के आप इस ब्लैक वायर में टाइट कर दीजिए, बस तार का अदली बदली कर दीजिए, आपका फ़ैन सीधा चलने लगेगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि गलत डायरेक्शन में। ये सही डायरेक्शन में चल रहा है हमारा फैन, हम इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हम मोटर को इस होल में डालेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको लूज़ कर लीजिए। अब जब आप लूज करके और इसको डालेंगे और टाइट करेंगे तो वो स्क्रू यहाँ पे आके फंसता है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। आप इस मोटर को ऐसे करके ये वाला हिस्सा आगे डालेंगे ऐसे, और डालने के बाद इसको टाइट कर लेंगे आप यहाँ पे। ये टाइट हो गया, ये रोटेशन का स्क्रू है जो गियर में डायरेक्ट टाइट हुआ है। अब स्क्रू को पहले निकाल दीजिए और यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे लगाने के बाद एक वाशर है, इस वाशर को यहाँ पे डाल के आप तब जाके इसे को यहाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए ये फैन के साथ थर्मोस्टेट आया था जो पहले रिवाइंडिंग में था, मैंने इसको निकाला नहीं है, इसके सीरीज में हमने लगाया है इसको, देखिए इस थर्मोस्टेट को, और इस कॉमन वायर में मैंने इससे डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। और ये तीनों वायर ये देख रहे होंगे आप हाई लो मीडियम के लिए आते हैं, तो हमने इसे सिंगल स्पीड पे रिवाइंड किया है इस फैन को, इसीलिए तीनों वायर को एक ही में शॉर्ट करके हमने यहाँ पे इसको इस वायर से न्यूट्रल दे दिया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस वाइंडिंग का एक वायर ला के स्टार्टिंग वाला इसमें टाइट करके इसके टेप लगा देना है। चलिए अब हम आके इसको टाइट करके दिखाते हैं आपको। हमने ऊपर कनेक्शन कंप्लीट करके इसमें टाई लगा दिया है, अब इसका आगे वाला प्रोसेस हम ख़त्म करके तब जाके नीचे का कनेक्शन देखेंगे। तो इसके लिए आपको इन स्क्रू को देखिए, ये इन स्क्रू को खोलना होगा, खोल के अब आगे इसको टाइट कीजिएगा। इसमें हमने इसको टाइट कर लिया है और इस वाले हिस्से को आपको नीचे रख के टाइट करना है। चलिए इसका हम बैक कवर जो ये है इसको टाइट कर लेते हैं। हमने इसका बैक कवर भी निकाल लिया लगा लिया है। पहले आपको इस नाब को निकालना है जो फैन को रोटेट करने से रोकता है या रोटेट करता है, उसके बाद से इसको आगे बैठा कर यहाँ पे तब जाके इसको लगाना है। इसमें स्क्रू नहीं दिया है, किसी किसी में स्क्रू दिया होता है जो इसमें अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के खोलना होता है। चलिए अब हम कनेक्शन की तरफ देख लेते हैं एक बार। मैंने पहले नंबर में ग्रे, दूसरे नंबर में ऑरेंज और तीसरे नंबर में रेड डाला है। यहाँ से मैंने फेज दे दिया है ब्राउन वायर से और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल, इसे टाइट कर लेंगे। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं हम लोग। हमने इसका बैक कवर भी टाइट कर लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको इस बड़े होल से इस प्लग को ऐसे निकाल के ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे ला के पहले आपको इस लॉक को इस होल में फंसाना है ऐसे, और इसको ऐसे इसके दबा देना है। देखिए ये हो गया अभी टाइट। अब हमें यहाँ पे इस स्क्रू का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस स्क्रू को रखने के लिए दिया गया है। इस स्क्रू निकाल के यहाँ पे टाइट कर दीजिए, देखिए ये हो गया। अब हम इस बैक नेट को टाइट करेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए ये वाला होल जो दिख रहे हैं
ये वाला होल, यहाँ पे एक प्लास्टिक का निकला हुआ है, वहीं पे इसको डालना है ऐसे। देखिए ये फंस गया है। अब इसमें आपको ये वाला प्लास्टिक का नट डाल के ऐसे इसको टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के बाद आपको इस फैन का ब्लेड लगाना है। ब्लेड लगा के इस नट को टाइट करना है, जो कि इसका थ्रेड उल्टा होता है नॉर्मल नट से। बस ऐसे घुमा देंगे, टाइट हो जाएगा। अब इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।